हेलो रोन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो गाइस, जैसे कि साइंटिफिक नेम्स को मैंने पूरा कवर करवाया हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने दो वीडियो बनाया, एक प्लांट्स का और एक एनिमल्स का। ये वीडियो छोटे छोटे हैं, देखो एक दिन में मैं सारा चीज़ नहीं डालना चाहता हूँ क्योंकि ये सब थोड़ी टफ चीज़ हैं। और अगर एक दिन, देखो मेरा जनरली जो वीडियो होता है वो आधे घंटे का आसपास का होता है, तो मैं अगर एक दिन में सारे को डाल दूँ तो वो आपके लिए बोरिंग भी हो जाता है और एक दिन में आपको याद भी नहीं होता है। पर डे अगर आप थोड़ा थोड़ा देखते हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने दो क्लासेस का ले लिया है, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स का, और वो कवर हो चुका है। कुछ ऐसे अभी भी क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं, जिसको मैंने जानबूझकर एमसीक्यूज के लिए रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको एमसीक्यूज में भी कुछ न्यू क्वेश्चंस मिले, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ न्यू चीज़ों को भी सीखने को मिले, ठीक है। तो जिस किसी को भी साइंटिफिक नेम्स के चीज़ों का पूरा चीज़ कवर करना है वो दोनों वीडियो जरूर देखें, और ये जो एमसीक्यूज मैं करवाऊँगा ये भी जरूर देखें, क्योंकि इसमें भी उनको बहुत सारे क्वेश्चंस न्यू मिलेंगे। इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कुछ पुराने भी हैं और कुछ नए भी हैं, ठीक है। तो इसको लेकर मैंने एक पोल करवाया हुआ था, ठीक है, आप देख पा रहे हो मेरे सामने उस पोल का रिजल्ट है। मैंने जो पोल करवाया हुआ था उस पोल में 78% लोगों ने बोला कि आज ही उनको टेस्ट चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। 17% लोगों ने कहा कि अभी याद नहीं हुआ है, उनको परसों चाहिए। तो देखो, जो मैक्सिमम लोग चाहेंगे मैं वही करूंगा। तो 78% लोगों ने आज के आज टेस्ट मांग किए हैं, तो 78% लोगों के साथ मैं चलूंगा। लेकिन यहाँ पे 0% है जिन्होंने ये कहा है कि उनको नहीं चाहिए। तो बिल्कुल अच्छा लगा देख के कि चलो, ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जिनको नहीं चाहिए। लेकिन नीचे देखो आप, मैंने एक डाला हुआ था लास्ट में कि मुझे नहीं, याद ही नहीं करना है मुझे, तो 6% लोगों ने ये भी टिक किया है कि उनको याद नहीं करना है। तो ऐसे लोग जिनको याद करना ही नहीं है, वो पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं पता नहीं, मुझे इससे मतलब भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने ये डाला हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि ये तो शायद कोई नहीं होगा, ये हो सकता है ये वाला कोई आ जाए जिनको, जो ये बोले कि मुझे चाहिए नहीं टेस्ट, लेकिन ये वाला तो ब्लैंक ही रहने वाला है। लेकिन मेरा गलतफहमी दूर हो गया। इसी में आप देखो, 6% लोगों ने बोला है कि मुझे याद करना ही नहीं है, आप पढ़ाओ कितना भी आप पढ़ा लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं याद करूंगा ही नहीं, इन्होंने फिक्स कर लिया, ठीक है। तो चलिए, इन 6% लोगों को छोड़िए, ये हमेशा रहेंगे। अभी हम लोग 78% लोगों के साथ चल रहे हैं जिन्होंने अच्छे से याद कर लिया है और जिनको आगे पढ़ना है, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब इस क्लास को एंजॉय करोगे और अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस का जवाब दोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आज शाम से देखो, एक्चुअली मैं हो क्या रहा है ना, एक दिन में तीन ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता है, ठीक है। हम लोग कितना भी वीडियो अपलोड कर लें उसमें से तीन ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है, रेस्ट जो भी वीडियोस होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच नहीं पाता है। अब इस तीन वीडियो के बाद अगर चौथा वीडियो मैं अपलोड करना भी चाहूँ तो आप लोग तक पहुँचता नहीं है और आप लोग विजिट करके देखते नहीं हो। आप लोग 8 से 9 बजे के बीच में रात में, ठीक है, 8 से 9 बजे के बीच में या 9 साढ़े 9 बजे के बीच में आप एक बार चैनल को विजिट कर लिया करो जो पढ़ने वाले हो, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डालने वाला हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट बेस्ड स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके का वो पोर्शन, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो मैंने मेहनत किया है आपके लिए, और करंट बेस्ड स्टैटिक जो जीके होता है, ठीक है, करंट बेस्ड स्टैटिक जीके, जिसका पोर्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसको मैं कवर करवाऊंगा 20-30 में पढ़े लूँगा, ठीक है। इसको मैंने दिसंबर मंथ से स्टार्ट किया, दिसंबर मंथ के बेसिस पे मैं चलूँगा, दिसंबर से लेकर अभी तक आपको मैं धीरे धीरे मैं करवाता जाऊँगा, एग्ज़ाम तक आपका पूरा कंप्लीट होगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। 20-30 क्वेश्चंस हम लोग इसमें डेली कवर करेंगे, आपका बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, मुश्किल से 15 मिनट का आपका वीडियो हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो, छोटा छोटा वीडियो होता जरूर है पर इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो आप रेगुलर चीज़ पढ़ रहे हो ना, इसके अलावे जो आप पढ़ते हो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आप जरूर कर लेना, ठीक है। आज आपका पहला वीडियो आएगा, अगर वो हमारा चौथा वीडियो हुआ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, इस कारण से मैं बोल रहा हूँ 9 बजे तक आप एक बार विजिट कर लिया करो, ठीक है। आप शाम को मैं 7 बजे 8 बजे 7 बजे के आसपास मैं एक वीडियो डालता हूँ, दोपहर में आपका एक वीडियो आता है, बायो का मैं डेली डाल रहा हूँ दोपहर में, आपको पता है, ठीक है। 1 बजे 12 से 1 बजे के बीच में आपका जो दोपहर में है वो बायो का वीडियो आता है, फिर 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपका करंट अफेयर्स जो 6 मंथ का है वो आता है, ठीक है। उसके बाद 9 बजे मैं इसको डालूंगा,
ठीक है, 8:30 से 9 बजे के बीच में आपका ये वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग जरूर इसको देख लेना, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आए फिर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप मेरे साथ आंसर अपना करते जाना, ठीक है, आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए जब तक मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है, यह बॉस इंडिकस। क्या है? बॉस इंडिकस, यह है गाय का वैज्ञानिक नाम। राणा टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? यह फ्रॉग का, मैंने आपको बताया हुआ है, फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम है राणा टिग्रिना, ठीक है। और मेंजीफेरा इंडिका भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो मेंजीफेरा इंडिका किसका है? यह है मैंगो का, ठीक है, मैंगो का। जिस किसी का भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आगे के क्वेश्चंस में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ से मेरे साथ रिपीट करते जाना है ताकि आपको यहाँ पे भी हेल्प मिल जाए याद करने में, ठीक है। राणा टिग्रिना फ्रॉग, मेंजीफेरा इंडिका मैंगो, और बॉस इंडिकस गाय का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम, मैंने बोला हुआ था कि आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्योंकि शेर का बहुत बार पूछा गया है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है राणा, सॉरी, पैंथेरा टिग्रिस। क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा लियो मैंने आपको बताया हुआ था, पैंथेरा लियो, ये लियो से वर्ड से याद रखना है, लियो शेर, ठीक है, लियो से लाया, तो पैंथेरा लियो जो शेर से है टिग्रिस, सॉरी पैंथेरा टिग्रिस जो है वो है बाघ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर करो आप, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस, बुवालस बुवालिस, कैनिस फैमिलियस। क्या है भैंस का वैज्ञानिक नाम? यह है बुवालस बुवालिस, ठीक है, बुवालस बुवालिस, यह है भैंस का वैज्ञानिक नाम। क्या है? बुवालस बुवालिस। और यहाँ से आपको बॉस इंडिकस दिख रहा है तो ये तो गाय का है, और कैनिस फैमिलियस फैमिलियर्स यहाँ पे है या फैमिलियरिस जो आपको बोलना है, वर्ड पे यहाँ ध्यान देना है कैनिस, ठीक है। तो ये किसका है? यह है कैनिस फैमिलियर्स या कैनिस फैमिलियरिस, यह है डॉग का। किसका है? डॉग का, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा उसको आप फिर से रिकॉल करते जाओ, ठीक है। कैनिस फैमिलियर्स ये किसका है? ये है डॉग का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। जो SSC की तैयारी करने वाले हो उनको इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे फैमिली सॉरी वैज्ञानिक नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड चीज़ों से क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है फेलिस डोमेस्टिका। क्या नाम है इसका? फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका। राणा टिग्रिना फ्रॉग हो गया, और कैनिस फैमिलियर सभी मैंने बताया, यह है डॉग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने का कोशिश करो कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। जिस किसी ने भी आंसर कर लिया तो वो समझो कि उसने पूरा क्लास किया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं बताए हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शंस को इस तरह से सेट किया है कि आप उसको निकाल सकते हो बाहर, और एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे आप नहीं भी कर पाओ तो एग्जाम में आपको जरूर करना है। तो अभी तक आपका आंसर आ गया होगा अगर किसी ने भी अच्छे से पढ़ा है तो। बॉस इंडिकस मैंने बताया हुआ था, यह है गाय का। मेंजीफेरा इंडिका मैंने बताया हुआ है, यह है मैंगो का, ठीक है, यह है कॉ का। और पावोक्रिस्टेटस ये किसका है? यह है पीकॉक का, यह भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो बचा क्या? बचा नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। क्या है? नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। तो यह है कमल का वैज्ञानिक नाम, यहाँ से आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जनरली आप इन सारे चीज़ों का याद रखना, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय जानवर है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का आपको सारे का याद कर लेना है, क्योंकि इन सब का साइंटिफिक नेम ही अब ऑप्शन में आपको मिलेगा। नॉर्मल नाम तो बहुत पुराना हो गया और बहुत बच्चा वाला चीज़ है, जो अभी क्लास वन में है उसको भी पता है कि राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इनका साइंटिफिक नेम आपको लिखा हुआ रहेगा, और आप वहाँ पे चाह के भी आंसर नहीं कर पाओगे अगर नहीं आता है। तो इन सब का आप जरूर से याद कर लेना, ठीक है। तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्डन, नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्डन, यह है कमल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, यह है पावोक्रिस्टेटस, और यह मैंने पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है, पावोक्रिस्टेटस, यह है मोर का वैज्ञानिक नाम। क्या है? पावोक्रिस्टेटस।
अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का ये सेवंथ क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सरसों का वैज्ञानिक नाम है ओलियम सीपिया। क्या नाम है इसका? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ये है सरसों का वैज्ञानिक नाम। क्या है सरसों का वैज्ञानिक नाम? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, आप ध्यान से रखना है इसका नाम याद, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस ये है सरसों का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न से प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्याज का वैज्ञानिक नाम इसका है ओलियम सीपिया। क्या है प्याज का वैज्ञानिक नाम? ओलियम सीपिया, ठीक है, ओलियम सीपिया, ये है प्याज का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब ये भी आप आसानी से मार सकते हो, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन आप नहीं मार सकते हो उसका मैं जल्दी से आंसर बता देता हूँ, जिस क्वेश्चन को आप कर सकते हो उसमें आपको थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ ताकि आप आंसर कर पाओ, ठीक है। मेरा एम दोनों है, आपका रिविज़न कराना भी है, आपको कुछ सिखाना भी है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो चीज़ बताना भी है, ठीक है। इस कारण से आप इस सेशन को एंजॉय करो अच्छे से और पढ़ो। तो कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ से आपको सारा ऑप्शन को देखकर एक ही ऑप्शन लग रहा होगा जिस पे आप तुक्का भी लगा सकते हो, तो वह है कॉफिया अरेबिका। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको एग्जाम में भी इस तरह से अगर नहीं भी जानते हो तो रिस्क ले सकते हो। कॉफिया अरेबिका यह है कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम। और अगला क्वेश्चन है, एक निम्न में से टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अच्छा, ऊपर आपने एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, अभी 9th नंबर में ही आपने देखा, एक ऑप्शन था वो था थियासेनेसिस, ठीक है, थियासेनेसिस। यहाँ पे आपने ऑप्शन देखा थियासेनेसिस, क्या देखा? थियासेनेसिस, ये है टी का, ठीक है, ये आप याद रखना, ये है चाय का, और कॉफिया अरेबिका ये है कॉफ़ी का। तो दोनों आपको याद यहाँ से हो गया, ठीक है, थियासेनेसिस टी का और कॉफ़ी का कॉफिया अरेबिका, ठीक है। ये आपके लिस्ट में नहीं है, अब देखो जो लिस्ट में आपके लिस्ट में नहीं है वो यहाँ से ऐड कर लेना, ठीक है, थियासेनेसिस ये है टी का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? टमाटर का वैज्ञानिक नाम ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? टमाटर का वैज्ञानिक नाम मैंने क्या बताया था? लाइकोपीन होता है टमाटर में, तो यहाँ से आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है, तो लाइकोपीन के कारण, ठीक है, तो वहाँ से आपको याद रखना है लाइकोप्रेसिकन, लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेंटम, ठीक है, लाइकोप्रेसिकम एस्कुलेंटम, ये है टमाटर का वैज्ञानिक नाम। अगर आपको पूरा नाम नहीं भी आ रहा है और एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर भी दिया गया, फिर भी आपको अगर थोड़ा सा कीवर्ड याद है तो आप मार सकते हो, ठीक है। मेरा लाइकोपीन से इसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन है नहीं, अगर स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंज भी हो गया तो भी मुझे लाइकोपीन के नज़र में यही आएगा, ठीक है। और ऐसा होता है कि किसी किसी चीज़ का जो साइंटिफिक नाम है जो आपने पढ़ा है उससे थोड़ा वहाँ वेरी कर सकता है, ठीक है। तो टमाटर का क्या है? लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेंटम। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है कि निम्न में से अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? अदरक का वैज्ञानिक नाम, अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब ये भी शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस अपना अप्लाई करो। ये मुझे याद नहीं है मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो आप इसमें आंसर कर सकते हो, आंसर करो आप सभी। तो अदरक का वैज्ञानिक नाम है जिंजीवार ऑफिसिनेल। क्या है? जिंजीवार ऑफिसिनेल। अब यहाँ से जिंजीवार मैंने एक ही बार में कैसे बोल दिया जिंजीवार, क्योंकि जिंजर मतलब होता है अदरक, तो यहाँ से जिंजीवार ऑफिसिनेल। अब एग्जामिनर इतना भी आपसे दुश्मनी नहीं निकालता है कि आपको हर एक ऑप्शन में जिंजीवार ही दे दे, अगर वो दे देता है इसका मतलब वो आपसे बहुत ही ज़्यादा रुष्ट है और आपको वो परेशान करना चाहता है, ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो जिंजीवार ऑफिसिनेल ये है अदरक का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है? काली मिर्च। अब काली मिर्च और लाल मिर्च का आपको मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैंने नहीं पढ़ाया, ये क्वेश्चन भी मेरा ही सेट किया हुआ है, सारे क्वेश्चन को मैंने खुद अपने हाथों से सेट किया है। इस कारण से मुझे पता था कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने जानबूझ कर कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ाया ताकि आप यहाँ पर खुद उसको पढ़ सको और एनालाइज कर सको। तो काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब जिसको भी थोड़ा सा इसका इंग्लिश नाम पता है कि क्या होता है काली मिर्च का इंग्लिश नाम, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। मैंने शुरुआत में ही बोला था ये इंग्लिश नेम जो होता है वो आप यूज़ करने का कोशिश करो हर एक चीज़ का, क्योंकि अगर वो याद है तो बहुतों का आप जो साइंटिफिक नेम है वो कवर कर पाओगे। तो काली मिर्च का होता है ब्लैक पेपर,
ठीक है। तो पेपर से आप देखो, आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, वो है पाइपर नाइग्रम, ठीक है, पाइपर नाइग्रम। तो ये होता है काली मिर्च का साइंटिफिक नाम, पाइपर नाइग्रम। अब लाल मिर्च का भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, तो लाल मिर्च का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैप्सियम एनुअम। क्या होता है? कैप्सियम एनुअम, कैप्सियम एनुअम, ये होता है लाल मिर्च, ठीक है। आप लिस्ट में ऐड करते जाना, ठीक है, लाल मिर्च और ये होता है काली मिर्च, ठीक है, लाल मिर्च, कैप्सियम एनुअम और पाइसम नाइग्रम, ये होता है काली मिर्च। अब कैप्सियम जो है, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि कैप्सियम यहाँ तो यूज़ कर लिया आपने, लेकिन कैप्सिकम मीन्स तो बड़ा वाला मिर्च ही होता है, वो शिमला मिर्च। तो भाई आपने अगर बायो पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि लाल मिर्च में जो तीखापन होता है उसका कारण क्या है, उसका कारण कैप्सियम ही है, ठीक है। तो वहाँ से आपको शिमला मिर्च याद नहीं रखना है, आपको कैप्सियम से मिर्च याद रखना है, क्योंकि मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये क्लू मिल जाएगा। तो पाइपर नाइग्रम ये हो गया काली मिर्च, और कैप्सियम एनुअम ये हो गया लाल मिर्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम, ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ लिस्ट में, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहां से आप इसको आसानी से नहीं मार पाओगे, ठीक है। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्टा हिटमस। क्या है? कैप्टा हिटमस, कैप्टा हिटमस है वैज्ञानिक नाम बकरी का, क्या है? कैप्टा हिटमस। अगला क्वेश्चन है, निम्न से मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मक्खी हाउस फ्लाई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है इसका? मुस्का डोमेस्टिका, यह है वैज्ञानिक का मक्खी का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न से धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये सब बहुत कॉमन है, आपको हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। यह है ओरिजिया सेटिवाट, ठीक है। हम मैंने आपको पढ़ाया हुआ था ओरिजिया सेटिवम, ठीक है, ओरिजिया सेटिवम, सेटिवाट, कुछ भी आपको मिले ना, मैंने बोला आप कीवर्ड पे ध्यान दो, ओरिजिया सेटिवम या सेटिवाट, ये होता है धान का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है, उनसे घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? घोड़ा का वैज्ञानिक नाम, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम। और मैंने बोला हुआ था घोड़ा से रिलेटेड वर्ड को इक्वाइन से संबंधित हम लोग करते हैं, ठीक है। इक्वाइन, घोड़ा से संबंधित जो भी चीजें हैं उसमें इक्वाइन वर्ड आता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इक्वस कैबिलस। क्या है? इक्वस कैबिलस, ये है घोड़ा का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न से गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया गन्ना का वैज्ञानिक नाम, लेकिन फिर भी आप इसको आंसर कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हो गन्ना का वैज्ञानिक नाम। ये क्या है? ये है सुग्रेन्स ऑफिसिनेरम, सुग्रेन्स ऑफिसिनेरम। क्या है? सुग्रेन्स ऑफिसिनेरम, यह है सुगर कैन, ठीक है। गन्ना का जो अंग्रेजी में हम लोग इसका नाम बोलते हैं वो है सुगर कैन, तो सुग्रेन्स ऑफिसिनेरम, यह है गन्ना का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 है, कि मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ आप, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? शायद ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम। तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है एरिकस हाइजोपिया। क्या है? एरिकस हाइजोपिया। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिकस हाइजोपिया, ये है मूंगफली का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नारियल का वैज्ञानिक नाम, तो नारियल का वैज्ञानिक नाम इसमें से क्या हो सकता है? तो नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोको न्यूसीफेरा। क्या नाम है इसका? कोको न्यूसीफेरा, यह है नारियल का वैज्ञानिक नाम। क्या है नारियल का वैज्ञानिक नाम? कोको न्यूसीफेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज के टेस्ट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कि केसर का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है? केसर का वैज्ञानिक नाम, तो केसर का वैज्ञानिक नाम है क्रोकस सेटिवियस। क्या है? क्रोकस सेटिवियस, क्रोकस सेटिवियस, यह है केसर का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। अब अदर ऑप्शन जो है इसको आप देखो, सबसे पहला है ब्रेसिका ओलरेसिया, आपने अभी देखा था ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज, ठीक है। ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज किसका होता है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज, ये किसका होता है? ये होता है सरसों का, ठीक है, सरसों, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज। अब यहाँ है ब्रेसिका ओलरेसिया, यहाँ से आपका सरसों से कोई रिलेशन नहीं है, यह है फूलगोभी का, किसका है? फूलगोभी, फूलगोभी आप खाते हो, ठीक है, फूलगोभी कॉलीफ्लावर, तो यह है उसका, फूलगोभी का है ब्रेसिका ओलरेसिया, ठीक है। ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज से आप इसको कंफ्यूज मत करना, याद रखो कंपेस्ट्रीज, आप जो
पेस्ट्रीज खाते हो उसमें सरसों का चटनी होता है, क्या होता है, पेस्ट्रीज जो खाते हो उसमें क्या होता है, सरसों का चटनी होता है। तो वहाँ से आप याद रख सकते हो ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीज ये सरसों, ब्रेसिका ऑलरेसिया ये फूलगोभी, ठीक है। इसके बाद है जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबर ऑफिसिनेल तो ये किसका है, जिंजिबर ऑफिसिनेल ये मैंने आपको बताया हुआ था, ये जिंजर का है, ठीक है, आदि का। उसके बाद एलिटेरिया अकाडेमम, एलिटेरिया कार्डमम, यहाँ से कार्डमम से आप इसको रिलेट कर सकते हो, कार्डमम क्या होता है, इलायची, तो एलिटेरिया कार्डमम ये किसका है, ये है इलायची का। और क्रोकस सेटिवियस ये तो अभी मैंने आपको बताया, ये है केसर का, ठीक है, क्रोकस सेटिवियस, क्रोकस सेटिवियस ये है केसर का, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इस एमसीक्यूज को अपने लिस्ट में ऐड कर लेना, जो भी मैंने आपको यहाँ पे न्यू बताया, ठीक है, उसके बाद आप इसको रिवाइज करते जाना, ठीक है। और जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पे मैं सारा पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर्स का पीडीएफ हो या किसी भी चीज़ का पीडीएफ हो, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।